और वो करते हैं कि अहम खबर का, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमपी हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि ओबीसी कमीशन ट्रिपल टेस्ट और परिसीमन को लेकर काफी आगे बढ़ चुका है, उसमें कुछ चीजें और पूरी करनी है। तो एडवोकेट जनरल का कहना है कि हम इस मामले में एक मॉडिफिकेशन आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। एडवोकेट जनरल कहा कि हमारी कोशिश होगी कि कानूनी रूप से इसमें क्या रास्ते ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बनते हैं उस पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। सरकार की सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने होंगे, नोटिफिकेशन जारी करना होगा, लेकिन विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के। मेरे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह साहब हैं, उनसे बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश तो हम सभी के ऊपर बंधनकारी है, हम बहुत सम्मान से देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम डायरेक्शन दिया है, फाइनल हियरिंग के लिए मामले को 12 जुलाई के लिए पोस्ट किया है। परिसीमन पे हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ट्रिपल टेस्ट जो है उसकी मर्यादा के अनुसार ओबीसी कमीशन जो है, पिछड़ा वर्ग कमीशन, उन्होंने भी काफ़ी आगे कार्रवाई पहुंचा दी है ट्रिपल टी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। तो हम ये दोनों ही पक्षों को एक मॉडिफिकेशन या कि क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर उस नाते से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः प्रयास करेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। नहीं, देखिए, मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या रास्ते हो सकते हैं वैधानिक, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो विकल्प दिख रहा है परिसीमन को लेकर के और ट्रिपल टेस्ट की मर्यादा का हमने पालन किया है इस विषय को लेकर के हम एक मॉडिफिकेशन या कि क्लैरिफिकेशन का आवेदन दाखिल करेंगे। कि सरकार और इनकी कोशिश जो है वो पूरी तरह से इस चुनाव में ओबीसी वर्ग को, सारे वर्गों को लेकर चलने की है, उसी के तहत आज आगे मॉडिफिकेशन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख करता है, क्या फैसला इनके कंसिडर करता है, ये देखने वाली बात। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर।